नमस्कार, हिन टाइम मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। मौसम की ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जिले के मौसम की जानकारी के लिए कमेंट करें। उत्तर भारत समेत देश भर के इन राज्यों में एक बार फिर से बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत से लेकर के मैदानी राज्यों तक बारिश के आसार बने हुए हैं। ताजा पश्चिमी क्षोभ हिमालय क्षेत्र में पहुँच गया है, जिसके चलते 15 राज्यों में 23 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी भी जारी की है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी होगी, आंधी तूफान की चेतावनी भी जारी की है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की भी चेतावनी जारी की है। आज 16 अप्रैल को जम्मू कश्मीर लद्दाख में हल्की बारिश शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड राज्य में 20 अप्रैल तक बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी समय राज्य में बारिश होती रहेगी। इसके अलावा 20 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिणी भारत में भी एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। राजस्थान राज्य में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान नए पश्चिमी क्षोभ के चलते 18 अप्रैल को जोधपुर, बीकानेर संभाग और अजमेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र में दोपहर बाद मेघ गर्जन, अचानक तेज हवाएं, कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग में कहीं कहीं पर मध्यम से तेज आंधी भी दर्ज की जा सकती है। 19 अप्रैल को भी पश्चिमी क्षोभ का सर्वाधिक असर जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर व भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी 18-19 अप्रैल के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ छींटे भी गिर सकते हैं। वहीं 20 अप्रैल को बारिश के आसार भी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्य के भी इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी। राज्य में नर्मदापुरम संभाग के जिले राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, सिवनी, मंडला, डिडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन भारी बारिश और ओलावृष्टि, आंधी अंधड़, कुल्लू में अंधड़ से सड़क पर गिरा पेड़। 16 से लेकर 19 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी की संभावना भी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य में 2 दिनों तक भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है। 16 से लेकर 19 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी होगी। मैदानी, निचले व मध्य ऊंचाई वाले कई भागों में भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। दक्षिणी राज्यों में केरल और माहे, कर्नाटक और तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड राज्य के भी उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में 19 अप्रैल के बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलेगा। ज्यादातर इलाकों में बारिश भी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य में भी बारिश के आसार हैं। राज्य में मंगलवार और बुधवार को पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम सहित पूर्वी हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम से जुड़ी है जानकारी सही और सटीक लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।